यश या कहे रॉकिंग स्टार यश आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हाल ही में उनकी अपकमिंग फिल्म KGF 2 का टीजर लॉन्च हुआ जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अब तक इस टीजर को 147 मिलियन लोग देख चुके हैं जिसमें से 7 मिलियन से भी ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं। ये है दीवानगी KGF की और फिल्म के रॉकी यश की। यश को KGF की सफलता के बाद रॉकिंग स्टार और पैन इंडिया स्टार का नाम मिल चुका है। यश की पॉपुलैरिटी इतनी है कि वो अब अपनी हर फिल्म के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। ये अभिनेता आज भले ही स्टारडम का परचम लहरा रहे हो लेकिन आज भी उनका परिवार मिडिल क्लास की तरह जिंदगी गुजारता है। यश आज इतने बड़े स्टार है लेकिन उनके पिता आज भी बस ड्राइविंग करते हैं। सुनकर आप भी हैरान हो गए ना, तो आइए आपको बताते हैं सुपरस्टार यश के बारे में कुछ अनसुनी अनकही बातें। यश कर्नाटक के हासन जिले से ताल्लुक रखते हैं। वो एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं। यश के पिता कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट बस सर्विस में बस ड्राइवर हैं। एक इंटरव्यू में यश ने बताया था कि उनके पिता को अपना काम बहुत पसंद है। यही बातें हैं जो उनके परिवार को जमीन से जोड़कर रखती है। KGF के एक इवेंट में SS राजामौली ने भी कहा था कि उन्हें ये जानकर हैरानी हुई कि यश एक ड्राइवर के बेटे हैं। उन्होंने कहा यश से बड़े हीरो उनके पिता हैं। यश भले ही अपने इस नाम से सुपरस्टार के तौर पर पहचाने जाते हो लेकिन कम ही लोगों को उनका असली नाम पता है। यश का असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है। यश ने अपनी पढ़ाई लिखाई मैसूर से की है और उसके बाद वह अपना करियर बनाने के लिए बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। यश ने बेंगलुरु आने के बाद मशहूर नाटककार BV करनाथ के साथ थिएटर करना शुरू किया। इसके बाद यश ने TV में सपोर्टिंग रोल करना शुरू किए। उन्होंने नंदा गोकुला जैसी मशहूर TV सीरियल में काम किया। इसके बाद वह फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करने लगे। उन्हें पहला ब्रेक साल 2007 में कन्नड़ फिल्म जम्बाडा हुडुगी में मिला था जिसमें उन्होंने कैमियो किया था। इस फिल्म के बाद यश ने कई हिट फिल्में दी। यश की गुगली फिल्म तो कन्नड़ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। हालांकि यश को सुपरस्टार बनने का सारा श्रेय साल 2014 में आई फिल्म मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी को ही मिलता है और फिर साल 2018 में आई फिल्म KGF ने तो यश को देश भर में एक पहचान दिला दी। यश ने एक्ट्रेस राधिका पंडित से शादी रचाई है और उनके साथ दो बच्चे भी है। TV सीरियल नंदा गोकुल के सेट पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी। यश और राधिका मिलकर एक फाउंडेशन भी चलाते हैं जिसके जरिए वो जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। यश भले ही आज सुपरस्टार बन चुके हो लेकिन वो आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं। बताया जाता है कि जब उन्होंने इंडस्ट्री में पहला कदम रखा था तब उनकी जेब में महज 300 रूपए ही थे। मात्र 300 रूपए से शुरुआत करने वाली यश आज 300 करोड़ की बजट वाली फिल्मों की पहली पसंद है। यहाँ तक कि यश ने पिछले 10 सालों में काफी सफलता अर्जित की है। इस समय यश कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा कमाने वाले एक्टर्स में से एक हैं। KGF की सफलता के बाद यश अपनी हर फिल्म के लिए 15 करोड़ की भारी भरकम फीस लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यश करीब 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक है। उनके पास बेंगलुरु में करीब 4 करोड़ का आलिशान बंगला भी है। फिलहाल यश की आने वाली फिल्म यानी कि KGF चैप्टर 2 के रिलीज फिलहाल फैंस का इंतजार है। तो बस यश की आने वाली फिल्म KGF चैप्टर 2 का कयास लगाए जा रहे हैं कि KGF चैप्टर 2 भी बड़ा धमाका करने वाली है और बॉलीवुड के टॉप स्टार्स को सिंहासन से भी हिला कर रख देने वाली है। बाकी इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें जरूर बताएं। बाकी एंटरटेनमेंट के लेटेस्ट अपडेट्स और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।